बहुत अच्छा टेस्टी फाफड़ा बना है। आप इसको तला हुआ मिर्ची जलेबी के साथ खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मेरे पास जलेबी नहीं था, मैं चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा फाफड़ा बना है, मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आवाज़ आ रहा है। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फाफड़ा। फाफड़ा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। एक कप बेसन लिया, ये करीब 200 ग्राम बेसन, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, अजवाइन 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक। बर्तन में 1 कप बेसन डाल लेंगे। अजवाइन को हाथ में थोड़ा सा इस तरह क्रश कर डालेंगे तो इसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार इसको अच्छा से इस तरह हाथ से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बेसन अच्छा से मिक्स हो चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डू तैयार करना। डू थोड़ा सा गीला रहेगा। इसी तरह हाथ से थोड़ा सा अच्छा से गूंथ लेंगे। आप जरूर एक बार इसी तरह फाफड़ा घर पर बना कर खाइए, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। ये देखिए ये हमारा अच्छा से गूंथ चुका है। अब हम इसको गोला बनाएंगे। इसी तरह छोटा छोटा गोला बना लेंगे। हाथ में इसी तरह लंबा साइज कर लेंगे। सारा गोला तैयार हो चुका है। अब हम फाफड़ा बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में तेल रख देंगे फाफड़ा तलने के लिए। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। एक गोला लेंगे। ये देखिए इस तरह आगे प्रेस करना है। वीडियो में जिस तरह देखा रही हूँ इसी तरह करना है। इसी तरह करेंगे तो फाफड़ा बहुत अच्छा बनेगा। ये बन चुका है। अब हम चाकू से देखिए इसी तरह इसको उठाना है। ये देखिए आराम से उठ जाएगा। ये देखिए एक फाफड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह और भी बना लेंगे। मैंने टोटल अभी 3 बनाए हैं। इसी तरह देखिए चाकू से उठा लेंगे, आराम से उठ जाएगा। अब हम इसको तल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। ये फाफड़ा इसमें डाल देंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अब हम इसको कलर देंगे। इसको लाल कलर नहीं करना, बस ये थोड़ा व्हाइट रहेगा, थोड़ा सा कलर होगा। ये तल चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए इसी तरह थोड़ा सा साइड में रखें तो तेल इसका निकल जाएगा। फाफड़ा अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो गोला था उसको भी बना लेंगे। ये देखिए अब हम इसको तल लेंगे। आप इसको कभी खा सकते हैं, स्नैक्स में ही खा सकते हैं। ये तल चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, मेरे नए रेसिपी नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। फाफड़ा के साथ तो खाने के लिए मिर्ची भी तल लेंगे। मिर्ची तल चुका है। चाय के साथ तो खाने के लिए फाफड़ा रेडी है।